सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लर्निंग। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं फीसर के सभी टाइपों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फीसर क्या होता है, फीसर होने का क्या कारण होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या शुरुआती लक्षण होते हैं, या फिर फीसर होने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में जानने वाले फीसर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन सी फीसर ज़्यादा खतरनाक होता है, कौन सी फीसर होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ फीसर। फीसर के सभी टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो होता है फीसर, मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? यह चार प्रकार की होती है। इसी में जो होता है फीसर के टाइप को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है एनल फीसर। क्या होता है? एनल फीसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो ओरल फीसर होता है। उसके बाद जो होता है आपको स्कल फीसर होता है और प्लांटर फीसर होता है। फर्स्ट क्या हो गया? एनल फीसर, ओरल फीसर, स्कल फीसर और प्लांटर फीसर। चारों प्रकार के फीसर के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एनल फीसर क्या होता है। सबसे पहले एनल फीसर, टाइप्स ऑफ फीसर में तो एनल फीसर के बारे में जानते हैं। तो एनल फीसर जो, ये कहाँ होता है? इसका जो स्थान होता है यह मलाशय के नीचे वाले हिस्से में होता है। कहाँ होता है? यह मलाशय के नीचे वाले हिस्से में होता है, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं। ठीक है, मल त्यागते हैं तो वहाँ उसके सराउंडिंग एरिया में हो जाता है, उसके अगल बगल वाले एरिया में हो जाता है। ठीक है, या दूसरी बात बोले तो गुदा, या जिसे एनस भी बोलते हैं, एनस के पास हो जाता है। ठीक है, जहाँ से आप मल त्यागते हैं उसके आसपास वाली जो मांसपेशियाँ होती हैं उनके उनमें हो जाते हैं फीसर। ठीक है, वहाँ कट मार्क बन जाते हैं। ये होने के लक्षण क्या होते हैं? इसका लक्षण जो होते हैं, आपको मल त्यागने में क्या हो सकता है? दर्द हो सकता है। मल त्यागते समय दर्द हो सकता है, साथ ही जलन जैसी समस्या वहाँ भी हो सकती है और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकता है, यानी रक्तस्राव भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ से क्या हो सकता है? तो ब्लीडिंग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फीसर होता है वो होता है ओरल फीसर। क्या होता है? ओरल फीसर, नाम से ये स्पष्ट होता है, ओरल फीसर। ठीक है, ये इसका जो स्थान होता है ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपको मुंह के अंदर होता है। क्या होता है? फर्स्ट तो मुंह के अंदर होता है, और जैसे कि ओंठ और जीभ पर भी होता है, या होठों पर भी होता है और जीभ पर भी होता है। ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो कट मार्क बना है यह ओरल फीसर का ही सिम्टम्स है। ठीक है, किसी को क्या हो जाता है कि लिप्स कट जाता है, ठीक है, किसी कारण बस, तो वो क्या होता है? वो भी ओरल फीसर होता है। ठीक है, तो ये ओरल फीसर के सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जैसे कि दर्द हो सकते हैं, जलन हो सकती है, और खाने पीने में क्या हो सकती है? कठिनाई की समस्या हो सकती है। कारण क्या रहेगा? ये किसकी कमी के कारण होता है? सबसे पहले तो विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, मुंह में चोट लगने के कारण भी होता है, अगर मुंह के अंदर किसी प्रकार का चोट लग गया, ठीक, तो उस कारण होता है, और क्या होता है? इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ये इसके कुछ लक्षण हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो होता है स्कल फीसर होता है। स्कल फीसर क्या होता है? स्कल फीसर जो होता है वो कहाँ होता है? ये सिर की त्वचा पर होता है। ये जो हमारा हेड होता है वह सिर की त्वचा पे होने वाला फीसर होता है, और यह सिर की त्वचा में क्या हो जाते हैं? दरारें को उत्पन्न करती है। यहाँ पे दरारें उत्पन्न करती है, वहाँ पे सूखापन जैसी समस्या उत्पन्न करती है। लक्षण क्या हो सकते हैं? तो वहाँ पे दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, और खुजली की समस्या भी हो सकती है। ठीक है, स्कल फीसर में। तो ये कुछ इसके स्कल फीसर के आपको डेफिनेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है प्लांटर फीसर। प्लांटर फीसर क्या होता है? प्लांटर फीसर जो होते हैं वो यह पैरों के तलवे में दरारे के रूप में होता है। जो पैर के जो तलवे होते हैं हमारे, उनमें क्या हो जाता है? दरार के रूप में होता है। ठीक है, दरार के रूप में होता है, और आमतौर पर यह सूखी त्वचा के कारण होता है। ठीक है,
किस कारण होता है, तो ये सूखी त्वचा के कारण होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानने वाले हैं, आगे के बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले आप मेडिकल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।